हमारा नाम, हमारा तारुफ, हमारी पहचान उम्मत के जरिए से की गई है कि तुम उम्मत हो और ये वो उम्मत है जो मेरे हुजूर ने जोड़ी है। तिनका तिनका करके ये घोंसला बना, कोई रूम से आया, कोई हबशे से आया, कोई फारस से आया, कोई मक्के का बासी था, कोई मदीने का रिहायशी था, कोई यमन से सफ़र करता हुआ आन पहुंचा और ये एक उम्मत बनी। मेरे हुजूर ने उम्मत बनाई थी, फिरके हमने बनाए हैं, उम्मत को टुकड़ों में हमने बांटा है। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक ने कहा था, हफ्ता दो फरीक हसद के अदद से हैं, अपना ये तरीक के बाहर अदद से हैं। हसद के अदद निकालो तो 72 बनते हैं। तो कहा कि ये हसद का नतीजा है कि उम्मत फिरका फिरका हो गई और टुकड़ों में बट गई। मुझे बताओ, जिसने उम्मत जोड़ी थी उसके कल्बे अथर पे क्या गुजरती होगी। घर में दो बेटे आपस में बोलते ना हों तो बाप के हलक से नीचे लुकमा नहीं उतरता। जिसकी उम्मत फिरकों में बट गई, ताइफ के बाजारों में, मक्के की गलियों में, और कहां कहां मेरे हुजूर ने इस उम्मत के लिए दुख झीले, तकलीफें सही, तो ये उम्मत टुकड़ों में बट गई। हुजूर से हमें माफी मांगना होगी, छोड़ के आपका दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरों कीमत आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दरसे अखुवत आका हमसे भूल हुई। बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। हमसे गलती हुई कि हम टुकड़ों में बट गए, हम ग्रोहों में बट गए, और उसका नतीजा क्या है? आज पूरी उम्मत जख्म जख्म है, पूरी उम्मत लहू लहू है। कहा तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी अगर तुमने हबलुल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया, तुमने रसूल के दामन को तरक कर दिया, तुम ग्रोही तकसीमात पर यकीन रखने लगे, तुमने डेढ़ डेढ़ ईंट की मस्जिद खड़ी कर ली, तुम तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरते रहे, तुम उम्मत से फिरका, फिरकों से जमातें, जमातों से लाबियां, और लुढ़कते लुढ़कते तुम टुकड़े टुकड़े हो गए, तुम किरची किरची हो गए, तो फिर तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, दुनिया में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। आज हुजूर के कल्बे अथर पे क्या गुजरती होगी जब शाम की बच्चियों के मुंह पे तमाचे मारे जाते हैं, जब बगदाद में हुजूर की उम्मत खानमा बर्बाद नजर आती है, जब बर्मा में आरी लेकर के आजाक काट दिए जाते हैं, जब दश्ते लैला से लेके कंधार तक और गजा से लेके कश्मीर तक लाशें ही लाशें बिखरी हुई नजर आती हैं, बस्ती बस्ती, करिया करिया, सहरा सहरा खून, बस्ती बस्ती, करिया करिया, सहरा सहरा खून, उम्मत वाले उम्मत का है कितना सस्ता खून, उम्मत वाले उम्मत का है कितना सस्ता खून। शाम कुदस कश्मीर और बर्मा, किस किस का अहवाल कहूँ, शाम कुदस कश्मीर और बर्मा, किस किस का अहवाल कहूँ, हर सू जख्मी, हर सू लाशें, हर सू बहता खून,
उम्मत वाले उम्मत का है कितना सस्ता खून, उम्मत वाले उम्मत का है कितना सस्ता खून। आज उम्मत लहू लहू है, इस पूरी कायनात में एक इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहां आतशवान बरसता हो और वो कुफार की सरजमी हो। जहां भी खून बहता है वो बस्ती मुसलमानों की है, जहां लाशें गिरते हैं वो घर मुसलमानों का है, जहां इस्मतें लुटती हैं वो खित्ता मुसलमानों का है। ये हमारे गुनाहों की सजा है जो हम काटने पे मजबूर हैं, और जब तक हम उम्मत नहीं बनते तब तक रुसवाइयां हमारा मुकद्दर होंगी और जिल्लत हमारा मकसूम है जब तक हम उनके दामन से नहीं जुड़ जाते। कुव्वत इश्क से जब दहर में उजाला नहीं होता तो पस्तियों को बुलंदियों से बदलने का करीना आप नहीं सीख सकते। नाम मोहम्मद को थाम करके, उम्मत की वहदत के तसव्वुर को उजागर करके, हुजूर का पाकीज़ा वजूद जो उम्मत की वहदत का ज़ामिन है, उससे बेलौस मोहब्बत का रिश्ता और उल्फत का रब जब तक मजबूत नहीं होता तब तक हम इन मुश्किलात से कभी भी नहीं निकल सकते। हज़ार फलसफे तराश लें, हज़ार मंतकें भगार लें, लेकिन कोई नतीजा नहीं होगा। तुम्हें नतीजा तब ही मिलेगा जब हुजूर के कल्बे अथर को आराम पहुंचाओगे, जब उम्मत बन जाओगे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी अपना शियार ज़िंदगी बना लोगे, तो फिर दहर में उजाला और रोशनी हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम के सदके से नसीब होगी, और तकदीर का काजी तुम्हारी सजाएं माफ़ कर देगा, और फिर नतीजा तुम्हारे सामने इस सूरत में नमूदार होगा कि तुम बहरो भर के मालिक ठहरोगे और कायनात के अंदर हुजूर के साथ वफा के रिश्ते के नतीजे के अंदर लौह भी तुम्हारे हाथ में होगा, कलम भी तुम्हारा ही मुकद्दर होगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम सही माना के अंदर उम्मत बन जाओ। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये मेरे रब का वादा है और मेरे रब के वादे सच्चे होते हैं। कहा तुम उनके बन के तो देखो, इज्जत का ताज मैं तुम्हारे सर पे रखूंगा। ये तुम्हारी गलतियों की तुम्हें सजा दी जा रही है, इज्जतें तुम्हारे लिए हैं, विकार तुम्हारे लिए है, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे भी बन जाओ, मेरे रसूल के भी बन जाओ, तो फिर इज्जतें तुम्हारा मुकद्दर होंगी और शानें तुम्हें अता की जाएंगी, तुम्हें इज्जतों की मस्तदों पे बिठाया जाएगा। शिकवे की जबान खुली तो लहजा तल्ख हुआ और इकबाल बोला कि सफाए दहर से बातल को मिटाया, हमने नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया, हमने तेरे काबे को जबीनों से बसाया, हमने तेरे कुरान को सीनों से लगाया, हमने फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। तो आवाज़ आई, सफाए दहर से बातल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्ते मए जोके तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या नस्बत रूहानी है, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। जब तुम मेरे थे तो खालिद बिन वलीद के पास जहर की शीशी लेके पादरी आता है, तो हज़रत खालिद बिन वलीद पकड़ के ख़ुद उसको पी जाते हैं और वो मुंतज़र होता है कि थोड़ी देर के बाद ये गिरेंगे और मौत वाकया होगी। लेकिन मामूली पसीने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद खड़े होकर कहते हैं, मेरे रब ने मौत न लिखी हो तो मौत नहीं आ सकती, आओ रब का डर सीने में पाल लो, ज़माना तुमसे डरना सीख लेगा, उनके हो जाओ ज़माना तुम्हारा हो जाएगा, उनसे वाबस्तगी इख्तियार करो फिर ज़माना तुम्हारी नौकरी करेगा। फिर मैं इकबाल के लहजे में कहना चाहूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फिर कायनात तुम्हारी बाज गुजार होगी, तुम्हारी दहलीज की लौंडी होगी, जमाना तुम्हारा नौकर होगा, शर्त यह है तुम उम्मत बन के देखो।
तुमने उम्मत बनना है, तुमने रसूलुल्लाह का गुलाम बनना है। तुम्हारा लबो लहजा बताए हम हुजूर की उम्मती हैं, तुम्हारा तर्ज जिंदगी बताए तुम हुजूर की उम्मती हो, तुम्हारा किरदार बताए तुम तराजू पे कुछ तोल रहे हो, तो लोग दूसरी तरफ भी मुंह करके खड़े हो जाएं। ये गलत नहीं तोल सकता, ये उम्मत रसूल है। तुम बोल रहे हो, लोगों को यकीन हो कि ये झूठ नहीं बोल सकता, ये रसूलुल्लाह का उम्मती है। तुम्हारा तर्ज जिंदगी बताए मैं उम्मत रसूल हूँ। तुम्हारी वहदत, तुम्हारा जोर है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी तवानाई है। तो फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन, हमने तो उम्मत बनाया था तुम्हें, तुम टुकड़े टुकड़े हुए, तुमने अपने आप को बांट लिया, तुम एक दूसरे का गिरेबान नोचने लगे, तुम एक दूसरे के जुब्बे फाड़ने लगे, तुम एक दूसरे के लिए नफरतों के बीज बोने लगे, तुम्हारी जबाने अंगारे उगलने लगी, तुम चंगारियां निकालने लगे, तुम मिंबरों मेहराब के तकद्दस को पामाल करने लगे, तुम ख्वाहिशात के गुलाम बन गए, तुम आरजुओं के नौकर बन गए, तुम अपने नफ्स की गुलामी में आ गए। तुम तो गुलाम थे आमिना के लाल के, तुमने कब से नफ्स की गुलामी इख्तियार कर ली, तुम कब से ख्वाहिश के नौकर बन गए, तुम कब से नफ्स के बंदे बन गए। फिर तुम्हें जलील ना किया जाता तो और तुम्हारा इलाज क्या है। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। ये तकदीर का फैसला है। अब्दुल क़ादर रोहेले ने जब मलिक तैमूर को कैद करके उसकी आंखें नोके खंजर से निकाली और उसकी हरम की बेटियों और बहुओं को बहना नाचने पे मजबूर किया, लेकिन एकदम न जाने उसको क्या ख्याल आया, उसने सारा असला उतार के फेंक दिया और चारपाई पे लेट के खराटे लेने लगा, लेकिन वो बेटियां बराबर नाचती रहीं। तो अब्दुल क़ादर रोहेला खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं एक सपाही हूँ और इस हालत के अंदर असला उतार के खराटे लेने लग जाना ये एक सपाही की शान के लायक नहीं होता, ये मेरा तकल्लुफ था, ये मेरी बनावट थी। मुझे ख्याल आ गया कि मैंने बहुत ज्यादती की है और मैं यूं लेटा, मेरा ख्याल था कि तैमूर की कोई बेटी मेरे ही खंजर से मेरा गला चीर देगी, लेकिन इसके बावजूद तुम बराबर नाचती रही। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। उसने कहा कि अब मैं हक बजानब हूँ जो मैंने आपके साथ किया, इसलिए कि मेरे खंजर को पड़ा हुआ देख के और मुझे खराटे लेते हुए देखने के बावजूद भी जब तुम नाच रही हो तो फिर मैंने गलत नहीं किया, तुम्हारा इलाज यही था। जब हमारी बेटियां गैरों के नरगे में हों, जब हमारे गले चीरे जा रहे हों, जब शाम उजड़ रहा हो, जब बर्मा में आरियों के साथ इंसानी आजाद काटे जा रहे हों, जब बगदाद के अंदर इस उम्मत की शहजादियां भीख मांगने पर मजबूर हों, तो मुझे बताओ उस जमाने में भी हम एक दूसरे के गिरेबान नोचेंगे? तो फिर जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारी सजा थी, हमें उम्मत बनाया गया था, हम नफ्स के गुलाम बन गए, हम ख्वाहिशात के नौकर बन गए। तो मेरे रब ने कहा वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मता। दूसरी बात, वसता, तुम्हें उम्मत वसत बनाया। उम्मत वसत, इसके तीन माने इमाम कुर्तबी ने किए हैं, बाज़मत उम्मत, बाकमाल उम्मत, और तीसरा माना मोतदिल उम्मत। अजमत के जिस मेराज पे तुम्हें बिठाया था वो किसी और का मकसूम नहीं था। जो इलत लियल अर्द मस्जिद, पूरी कायनात को तुम्हारे लिए मस्जिद बना दिया गया, तुम्हें ये इज्जत दी। हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, वह अन तुम आखिरुल उमम, और तुम आखिरी उम्मत हो। पस खुदा बर मा शरीयत खत्म कर, बर रसूल मा रिसालत खत्म कर। हमें आखिरी उम्मत बनाया गया। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ वतनहौना अनिल मुनकर। ये मुझे कहा गया, ये आपको कहा गया, तुम खैर उम्मत हो। जरा गिरेबान में झांक करके देखें, मुझे कहा गया मैं खैर हूँ, आपको कहा गया खैर हूँ, यार ये नस्बत मेरे हुजूर की है। तो आ तुम खैर से जुड़े हो, तुम भी खैर बन गए हो, तुम खैर उम्मत हो, तुम्हें इज्जतों की मसनद दी दी गई। जो मिराज, जो मुकाम, जो मर्तबा, जो रिफात तुम्हें दिया गया वो किसी और का मकसूम नहीं है, तुम खैर उम्मत करार पाए। अल्लाह अकबर। तो कहा इससे मुराद बाअज़मत उम्मत है। दूसरा माना बाकमाल उम्मत, जो इज्जत, जो शरफ, जो मर्तबा, जो मुकाम तुम्हें दिया गया, जो कमाल उरूज और बांकपन तुम्हारा मकसूम है वो किसी और उम्मत का मकसूम नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया
एक बंदा सुबह से लेकर के जोहर तक मजदूरी करता है, उसको एक की रात दिया जाता है, एक जोहर से लेकर असर तक मजदूरी करता है, उसका वक्त थोड़ा है लेकिन मजदूरी उसको भी एक की रात दी जाती है। और तीसरा शख्स असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है, दोनों से कम थोड़ा वक्त लगाता है लेकिन उसको दो की रात दिए जाते हैं। फरमाया पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है, और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है। थोड़े अमल पर ज्यादा अजर रखा गया। मन जा बिल हसनाते फाला हुआ शो अमसालिया, एक नेकी करोगे 10 का सवाब मिलेगा। ये उम्मत को एजाज दिया गया, ये उम्मत को तकरीम दी गई। एक बच्चा हिफ्ज कुरान करता है और अपने खानदान के लोगों की शफात करता चला जाता है। बुढ़ापे में उतरता है एक शख्स, उम्र की कसरत की वजह से वो खानदान की शफात का अहल हो जाता है। क्या क्या शरफ नहीं दिए गए, क्या क्या मुकाम नहीं दिया गया। इस उम्मत को इज्जतों की मसनद पर बिठा दिया गया। कयामत के दिन आजाए वजू से चमकती हुई ये उम्मत सामने आएगी, दूर से पहचाने जाएंगे ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, क्योंकि इनके आजाद चमक रहेंगे, रोशनी निकल रही होगी इनके वजूद से। तीसरा माना उम्मत वसत का, मोतदिल उम्मत, एतदाल की राहों पर चलने वाले, न यहूद की तरह और ना नसारा की तरह इफरात व तफरीत का शिकार नहीं होंगे, बल्कि ये एतदाल की राहों पे गामजन होंगे, अकायद में, आमाल में, रवैयों में, तर्ज जिंदगी में, अंदाज़े मुआशरत में, गुफ्तगू में, कलाम में, हर लिहाज से ये एतदाल की राहों के मुसाफिर। जब ये उम्मत एतदाल की राहों से निकली और इनमें गलूफ पैदा हुआ या इनके अंदर तफरीत पैदा हुई,